गट्टे की सब्जी तो आप सभी ने खाई होगी, पर सबकी कंप्लेंट ये होती है कि हार्ड बहुत बनते हैं, तो इन्हें सॉफ्ट कैसे बनाया जाए, तो बस आज के इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाली हूँ। और अगर आपको मेरी ये टेक्निक अच्छी लगे, मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कॉमेंट कर दीजिएगा एंड चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हाय माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नंदिताज किचन डायरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो गट्टे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़े से खड़े मसाले। यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन और साथ में लेंगे थोड़ा सा जीरा। अब इन सभी को हम रफली क्रश कर लेंगे। इन सभी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है बेसन में, क्योंकि सौंफ होती है वो डाइजेशन में बहुत अच्छी होती है, अजवाइन भी डाइजेशन में बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ ज़ीरा हमारे स्टमक को ठंडा रखता है और खाने में एक अलग ही टेस्ट देता है। तो हम इन सभी को डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस अब हम इसे अच्छे से क्रश कर लेंगे। और अब यहाँ पर ये सभी मसाले क्रश हो चुके हैं, तो अब हम बनाते हैं अपने गट्टे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप के करीब बेसन। तो अब बात आती है कि हम इन गट्टों को सॉफ्ट कैसे बनाएं, कि जब हम पकाएं तो ये टूटे नहीं और खाने में भी बिल्कुल सॉफ्ट बने। तो उसका सीक्रेट मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहले हम बेसन में मिलाएंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और साथ ही में थोड़ा सा नमक। इस वक्त हम मसाले थोड़े से कम डालेंगे, क्योंकि ग्रेवी में भी तो मसाले होंगे। और साथ ही में मैं यहाँ पर ऐड करूँगी अपने क्रश किए हुए मोटे मसाले जो हमने पहले से ही तैयार करके रखा है। अब हम इन सभी सूखे मसालों को बेसन में अच्छे से मिला लेंगे। और अब बारी आती है हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, और वो है ये 1 चम्मच देसी घी। जब भी आप गट्टे की सब्जी बनाएं तो उसमें 1 टेबलस्पून देसी घी जरूर डालना, और फिर उसके बाद इसमें फ़र्क देखना। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और हम इसमें डालेंगे लगभग 3 बड़े चम्मच दही। अब हम इन सभी को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी तक पानी का यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमें पानी बेसन में बहुत ही कम डालना है। अब मैं यहाँ पर लगभग 2 टेबलस्पून के करीब पानी मिक्स कर रही हूँ और इसे मैं बस थोड़ा सा मिक्स करके इसे पानी के साथ 2 मिनट के लिए मैं रख दूँगी, जिससे ये अच्छे से पानी अब्सॉर्ब कर ले। और आप देखेंगे कि कितने बढ़िया गट्टे आपके बनकर तैयार होते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेसन में ऑयल डालूंगी, जिससे कि बेसन चिकना हो जाए। और अब बारी आती है सेकंड सीक्रेट की। ये देखिए किस तरीके से मैं बेसन को गूंद रही हूँ, बिल्कुल आटे की तरह एक के ऊपर एक लेयर लगा करके मैं इसे अच्छे से गूंद रही हूँ। इससे क्या होगा कि बेसन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, और जब हम गट्टे बनाएंगे तो वो अंदर से बहुत सॉफ्ट बनेंगे और खाने में बिल्कुल मलाई की तरह होंगे। और अब आप देख सकते हैं कि बेसन कितना सॉफ्ट हो गया है, कितना चिकना हो गया है, कि ये जो परात है ये बर्तन पर चिपक नहीं रहा। तो बस हमें इसी तरह से बेसन को गूंदना है। ये देखिए किस तरीके से ये कितना सॉफ्टली, कितना इजीली ये एक रोल बन करके तैयार हो रहा है। तो इसी से आपको पता चलेगा कि गट्टों के लिए बेसन एकदम तैयार है, और यही एक सीक्रेट है जिससे बेसन के गट्टे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे।
अब हम एक खुला बर्तन लेकर के उसमें पानी गर्म करने के लिए रख देंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल मिला देंगे जिससे कि गट्टे आपस में चिपके नहीं। अब जब तक पानी गर्म होता है, अच्छे से उबलता है, तब तक हम अपने बेसन के रोल तैयार करके रख लेते हैं। अब मैं गट्टों की शेप बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बना रही, अदरवाइज़ क्या होगा, बहुत ज़्यादा लंबे बनेंगे तो ये पकाते पकाते ही टूट जाएंगे। इस तरीके से हम बाकी बचे बेसन से भी गट्टों के लिए रोल तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर पानी अच्छे से उबल गया है तो बस अब हम यहाँ पर अपने सभी गट्टे इसमें डाल देंगे। गट्टे डालते वक्त आप ध्यान रखना कि पानी हमेशा उबला हुआ ही होना चाहिए, कि इसमें अगर ठंडे पानी में या कम टेम्परेचर के पानी में अगर हम इसे उबालेंगे तो गट्टे अंदर से कच्चे रह जाएंगे और हार्ड बनेंगे। अब हम इन गट्टों को मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे जिससे ये अंदर से कच्चे ना रह जाएं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि गट्टे अंदर से पक गए हैं, तो जब ये गट्टे अपने आप ऊपर आ जाएं पानी में तो इसका मतलब ये है कि गट्टे अंदर से पक गए हैं और बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। और ये देखिए किस तरीके से इसमें पानी में बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो बस इसका मतलब है गट्टे बिल्कुल पक गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये जो पानी बचा है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ कर लेंगे। अब हम इन सभी गट्टों को छोटे छोटे पीसेस में काट कर रख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी के लिए तैयारी। तो यहाँ पर हम पहले लेंगे 3 से 4 चम्मच दही के, और उसमें मैंने डाले हैं 1 चम्मच लगभग लाल मिर्च का, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 कसूरी मेथी। बस अब हम इसको दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 प्याज, 4 टमाटर, थोड़ा सा अदरक लहसुन और हरी मिर्च। अब हम प्याज, अदरक लहसुन और हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लेंगे। चाहे तो आप इसे चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। अगर आपको स्मूथ ग्रेवी पसंद है तो आप इन्हें ब्लेंडर में या मिक्सी में पीस भी सकते हैं। ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की ग्रेवी पसंद है। अब हम एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल गरम कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे गट्टे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसे डायरेक्ट ग्रेवी में डालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि जब आप ग्रेवी में इन्हें पकाएंगे तो ये घुलेंगे नहीं, ना ही ये टूटेंगे, और जो ग्रेवी का जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो भी इसके अंदर अच्छे से चला जाएगा। अब गट्टे फ्राई करने के बाद उसी ऑयल के अंदर हम अपने डालेंगे चॉप किए हुए प्याज और इन्हें भी अच्छे से रेड होने तक फ्राई कर लेंगे। जब प्याज हल्के ब्राउन होने स्टार्ट हो जाएं, तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो हमने बारीक चॉप किया हुआ रखा है, और इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन अच्छे से भून चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे टमाटर। चाहे तो आप टमाटर की प्यूरी डाल सकते हैं, चाहे तो आप उसे
चॉप करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने इन टमाटरों को चॉपर में रफली चॉप किया है। अब यहाँ पर मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च और साथ में थोड़ा सा नमक, और इन्हें भी मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा और पानी सारा सूख जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे अपना दही वाला मसाला जो हमने पहले ही तैयार करके रख लिया था, और अब हम इसे भी मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। और हम इसे फ्लेम को कर देंगे लो और बिल्कुल इसे जल्दी जल्दी चलाएंगे जिससे ये दही फटेगी नहीं। अब आप देख सकते हैं दही में कितना जल्दी जल्दी से उबाल आ रहा है और दही अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना बेसन वाला पानी। ये वही पानी है जिसमें हमने बेसन के गट्टे उबाले थे। इस पानी को ग्रेवी के लिए यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि एक तो ग्रेवी गाढ़ी होगी और साथ ही साथ इसमें बेसन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हमने इसमें डाल दिए अपने सारे बेसन के गट्टे और अब हम इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर ग्रेवी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। तो अब हम इसमें लास्ट में ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और लीजिए, बनकर तैयार हो गए हैं आपके बेसन के गट्टे। और अब हम इसे करेंगे गर्मा गर्म सर्व।